दोस्तों 15-12 LPT हम सबका फेवरेट था। 15-12 LPT की अगर बात करो तो काफ़ी बेहतर और एक ऐसा व्हीकल था जो इकोनॉमिकल था, मतलब हम सब उसको पसंद करते थे। एक स्लीपर केबिन के साथ में अभी गाड़ी आ रही है और गाड़ी में आप देखो तो आप पहले आपको फुल साइज़ सीट नहीं दिखी होंगी, या फुल साइज़ सीट दिख रही है जैसी सिग्ना में सीट दिखती थी वैसी सीट दिख रही है। अगर आप बात करोगे स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील भी अब पहले से बेहतर आ रहा है। और जैसे हमारे सिग्ना वगैरह में आता था, अल्ट्रा वगैरह में आता था, देखो अंदर बाहर हो रहा है तो वो सारी चीज़ें। डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज किया है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं डाली है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा टाटा वालों ने कि थोड़ा कंफर्टेबल केबिन देते हैं। कंफर्टेबल केबिन देने से क्या होगा कि अगर ड्राइवर सो सकता है, कंडक्टर सो सकता है, आप बेहतर गाड़ी चला सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी कंफर्टेबल सीट वगैरह दे दी जाए तो फ़ायदा क्या होगा कि गाड़ी हमारी और बेहतर टर्न अराउंड टाइम ले लेगी और चीज़ें बेहतर होने वाली है। तो ओवरऑल टाटा 15-12 LPT में क्या सारी नई चीज़ें आई हैं उनके बारे में बात करेंगे। गाड़ी की कीमत वगैरह क्या आ रहा है उसके बारे में बात करूँगा। कितना माइलेज इस इंजन से आएगा, 3.3 लीटर का जो इंजन उन्होंने लगाया 4 सिलेंडर वाला, उससे कितना माइलेज आएगा उसके बारे में बात करेंगे। गाड़ी के चारों तरफ घूम के देख लेंगे कहाँ कौन सी क्या चीज़ लगी है, टूल बॉक्स वगैरह बनवाने की जगह है, स्टेपनी कहाँ लगी है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो सारा पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पर नए आए हो, अब तक पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको आगे और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी चीज़ें फ्री हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये टाटा 15-12 का वीडियो। दोस्तों टाटा का 15-12 एक ऐसा केबिन है जो सदाबहार है और इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। टाटा की अल्ट्रा गाड़ी आ गई उसके बाद भी पसंद किया, इसके कॉम्पिटिटर का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी भी गाड़ियाँ आ गई, लोगों ने पसंद नहीं किया। बट लोग कहते हैं LPT केबिन नाम से बिक जाता है, LPT सीरीज नाम से बिक जाती है। लोग कहते हैं, लोगों को देख के लगता है कि यार ये गाड़ी जो है वो बेहतर माइलेज देगी, अच्छा प्रोडक्शन निकाल के देगी, बेटर टर्न अराउंड टाइम देगी। बट ओवरऑल क्या होता है कि एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं लगता था अंदर से कि यार ये गाड़ी थोड़ी सी कंफर्टेबल बना दें, गाड़ी में थोड़े बहुत फीचर्स और डाल दें तो सही रहेगा। ऑल दो बहुत बढ़िया आती थी, तो टाटा ने क्या किया, टाटा इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिए हैं और अपग्रेड किया है, और साथ में इसमें क्या किया, 3.3 लीटर का फ्यूल इफिशियंट इंजन डाल दिया है। अब इस गाड़ी का नाम ही हो गया टाटा 15-12 LPT FE का मतलब है फ्यूल इफिशियंसी, वो सारी चीज़ें। तो फ्यूल इफिशियंट 3.3 लीटर इंजन के साथ में आता है, मतलब इसमें जो 3300 CC का जो इंजन आने वाला है वो BS6 कंपोनेंट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज डिलीवर करेगा आपको। चलो देख लेते हैं फटाफट से गाड़ी के बारे में, पहले हम गाड़ी के चारों तरफ घूम के देख लेंगे, फिर मैं आपको केबिन दिखा दूंगा और लोड बॉडी वगैरह के बाद में बात कर लेंगे। लास्ट में हम देख लेंगे गाड़ी में कितनी वारंटी वगैरह मिलती है, कितना माइलेज वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी से, और क्या सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी पासिंग में आती है, तो ये 16 टन में पास में आने वाली गाड़ी है, और लगभग आपको ये 5 टन की गाड़ी का वजन है। पूरी बनी हुई बॉडी लेते हो अब तक 17 फीट में आती है, 20 फीट में आती है, और 22 फीट में गाड़ी जो है वो आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको बाहर से बता देता हूँ क्या सारी चीज़ें। देखो हेडलैम्प्स लगे यहाँ, जैसा हमने शुरू से देखा था सिंगल हेडलैम्प्स आते हैं, हैलोजन बेस्ड है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये वाली पूरी फाइबर की ग्रिल आती थी, अभी भी फाइबर की ही ग्रिल है। टाटा का लोगो बड़ा आता था, बड़ा लोगो है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग वगैरह टाटा का दिखता है, 3M रिफ्लेक्टिंग टेप वगैरह है, और ये वाला जो शो है वो ग्लॉसी आता था जिसमें रिफ्लेक्शंस वगैरह होते थे, रिफ्लेक्शंस वगैरह आपको अभी भी दिख रहे हैं, मतलब ठीक दिखती है। सामने से कोई प्रॉब्लम है, सामने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, अच्छी लगती है, नहीं जैसी लगती थी बिल्कुल वैसी लगती है। जिन लोगों को पसंद आएगी उनको पसंद आएगी, जो लोग बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कुछ नया आ जाए उनके लिए ये अल्ट्रा गाड़ी खड़ी हुई, तो उनके लिए अल्ट्रा बनाया हुआ है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि यहाँ पे क्या सारी चीज़ें, तो बम्पर में हमें जो चीज़ें दिखती नहीं वैसे ही दिखता है, स्टील का बम्पर दिखता है, हालांकि कोई 3 पार्ट वगैरह में फैंसी बनाने की कोशिश नहीं की गई, ये एक इनका इकोनॉमिकल केबिन है। नाउ कमिंग टू द नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट में क्या है, नीचे वाले पार्ट में हम देखोगे तो हैवी बम्पर दिया हुआ है, क्रैश प्रोटेक्शन बम्पर हम इसको कहते हैं, अगर एक्सीडेंट वगैरह कभी होना पर अगर कभी होता है तो गाड़ी सामने से टकराती है तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट झेल लेगा। और अच्छी बात ये कि चैसी से कनेक्टेड होता है, यानी चैसी आपकी यहाँ से कनेक्टेड होने वाली है। अगर विंडशील्ड वगैरह की बात करो तो बड़ी है, ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, 15-12 मैंने खुद चलाई हुई है, काफ़ी टाइम चलाई हुई है, तो वैसी चीज़ें और देखने वाले हैं। अब सीट्स वगैरह भी आपको दिख रही होंगी, लंबी बड़ी आ गई है, ऊपर से देखेंगे हाई माउंट लैंप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ऑपरेटर भाइयों के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, दोनों के लिए विन विन कंडीशन है जब गाड़ी जो है बढ़िया तरीके से लॉन्च की गई है। और अगर बात करो पैनल गैप्स वगैरह की, तो ठीक पैनल गैप्स इसके हैं, मतलब वैसे कुछ गाड़ी में कुछ अतरंगी सा नहीं लगता या बहुत ऐसे नहीं लगता है, कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से बहुत लूज वूज छोड़ दिया। हालांकि अब यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि फिनिशिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई है, बट LPT सीरीज जो है वो एक इकोनॉमिकल सेगमेंट को टारगेट कहीं ना कहीं किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द मिरर, साइड वाले प्रोपोर्शन में आएंगे, मिरर्स वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ आपको FE यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी का स्टिकर देखने को मिल जाता है, 3M रिफ्लेक्टिंग टेप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हैंडल्स वगैरह जैसे LPT में हमने शुरू से देखे हैं बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं, केबिन वगैरह यहाँ से वो शार्प एडजस्ट नहीं है, कर्व केबिन आता है, पीछे थोड़े से डिज़ाइन रहते हैं वो पार्ट यहाँ पे देखने वाले। हालांकि ये स्लीपर केबिन है और स्लीपर केबिन होने के कारण यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, वो एक पार्ट है। ये आपका वाइड एंगल मिरर है, रियर व्यू मिरर है, साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर वगैरह BS6 नॉर्म्स में दिख जाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साफ़ाई वगैरह करना है तो वो भी इजीली हो जाएगी, और
आप आसानी से चढ़ सकते हो। ये नीचे वाला जो दिया हुआ ये शायद हो सकता है कहीं टकरा के या बैक वैक करते टाइम कभी डैमेज हो जाए, बट इसमें भी ऐसी चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा वैसा दे सकते थे झूलने वाला। अगर फ्रंट में एक्सल की बात करो तो रिवर्स इलियट टाइप एक्सल मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको सादा कमानियाँ मिलती हैं, या फिर आप कहो तो यहाँ पे आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, बट एंटी रोल बार मिलते हैं जिससे कि गाड़ी स्टेबल रहती है। ओवरऑल ये केबिन सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे आपको केबिन के लिए शॉकअप मिल जाते हैं, यानी कि केबिन टिल्ट हो सकता है। केबिन टिल्ट होने के लिए यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म अनलॉक करके इसको टिल्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको 5 स्पीड का टाटा का ही गियर बॉक्स दिख जाएगा, और यहाँ पे जो है वो गाड़ी का पूरा इंजन लगा हुआ है। और ये थोड़ा सा केबिन खाली खाली पीछे से लगता है, उतना वैसा नहीं लगता है क्योंकि इंजन उतना बड़ा नहीं है। 3.3 लीटर का ही इंजन है और 125 हॉर्स पावर की पावर इसमें निकल के आती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे बाद में, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल 16 टन की गाड़ी है, तो यहाँ पर सिंगल बैटरी लगी हुई है। यहाँ कट ऑफ स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, डीजल फिल्टर वगैरह आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं, और ये 2 प्रेशर टैंक है। कुछ प्रेशर टैंक गाड़ी में अंदर भी लगे होते हैं, तो ये ही सिर्फ प्रेशर टैंक नहीं है, प्रेशर टैंक कुछ आपको गाड़ी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बेहतर हो जाता है। यूरिया वगैरह के लिए भी जब हम बात करते हैं, जब एडब्लू वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी जाता है। गाड़ी की चैसी और सबफ्रेम अगर आप कंपनी वाली बॉडी लेते हो तो कुछ इस तरह की दिखने वाली है। पीछे की तरफ भी आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने की, यहाँ पे बुशेस दिख जाएंगे जिससे कि थोड़ा सा बेहतर रहती है चीज़ें। साइड में साइड प्रोटेक्शन गार्ड कहते हैं, अगर आप बात करो देसी भाषा में दिल्ली जाला कहते हैं प्रोटेक्शन की बात करें। पीछे की तरफ से ये एम्प्टी रहता है, बट इसका काम जो है वो ये अपना काम चला देता है। और अच्छी बात ये कि जो भी गाड़ी की लेंथ आप लोगे, 17 फिट ले लो आप, 20 फिट ले लो, 22.5 फिट ले लो, तो यहाँ पे जगह थोड़ी मिल जाती है, जैसे कि आप टूल बॉक्स वगैरह बनवाओगे वो सब चीज़ें आती है। हालांकि ये मडगार्ड वगैरह जो है वो मुझे थोड़े से एक्सेस लगते हैं, शुरू भी से लगते थे पुरानी वाली। अगर एलपीडी का वीडियो आपने देखा है तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है। बाकी आपको यूनिटाइज्ड व्हील बैरिंग का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। कंडक्टर साइड सबसे आखिरी में स्टेपनी रखी जाती है, जो कि अपने आप में एक अजीब सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी की सेफ्टी को लेकर भी चीज़ होती है कि स्टेपनी की सेफ्टी वगैरह की बात आती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि यहाँ से मतलब अजीब सा रहता है। बाकी अगर बात करो खोलने लगाने की ड्राइवर की सहूलियत के लिए, तो बहुत बढ़िया जगह है। बीच में भी माउंट किया जा सकता था, बट ठीक है साइड में माउंट किया है, कोई ऐसी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें पेलोड की, तो लगभग 9 टन के आसपास इस गाड़ी का पेलोड आएगा। 9-10 टन के पेलोड के लिए अगर हम बात करें तो ये बॉडी ठीक है अगर आप फ्रूट्स में चला रहे हो, वेजिटेबल्स में चला रहे हो। बट अगर सीमेंट वगैरह की बात करो तो आप इसमें चैसी ले सकते हो, चैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको उस तरह से लेना है तो। एंगल वगैरह की बात करो तो 1 फिट से ज़्यादा के डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर व्हील के ऊपर 2 एंगल और डाले हुए हैं बीच में सेमी सेमी करके, तो थोड़ा सा बेहतर है। बाकी इसमें जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एनग्रेविंग वगैरह की हुई है वो ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब अगर कमिंग टू द पार्ट पीछे से हम बात करें गाड़ी के, तो देखो चाहे हम बात करें 12-12 LPT की, चाहे हम बात करें 15-12 LPT की, इनमें ना तो LEDs देखने को मिलती हैं, ना इसमें कुछ ऐसा खास देखने को मिलता है। ये गाड़ियाँ उन सेगमेंट में बनाई गई हैं, उन चीज़ों को बनाई गई जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सको गाड़ी के साथ में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर है, बैक लाइट, ब्रेक लाइट है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे भी आपको सरकारी नॉर्म्स के तहत में रिवर्स पार्किंग बजर्स वगैरह वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल यहाँ से भी देखने को तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मेरी गाड़ी का पुराना वाला LPT का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लो, वहाँ से और यहाँ में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। हालांकि क्रॉस मेंबर्स अगर आप बात करोगे तो क्रॉस मेंबर्स आपको थोड़े से जो है डिस्टेंस पे लगेंगे गाड़ी की लंबाई के हिसाब से, बाकी डिफरेंशियल इन्होंने बहुत हैवी लगाया हुआ है। रियर एक्सल बहुत हैवी है, एक ही एक्सल है क्योंकि 6 चक्का गाड़ी है। ये गाड़ी जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करने वाली फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह के लिए अगर आप बात करोगे तो। अगर हम बात करें लोड बॉडी की, तो लोड बॉडी अलग अलग स्पैंस में मिल जाती है। जितने स्पैंस में मिलती है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर हम साइड से भी बात करें तो इसका कलर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, डार्क है। यहाँ भी कोई चीज़ नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो आपको काफ़ी सारा जगह मिल जाएगी जिससे आप सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो, वो एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। फिर अगर यहाँ पे आप बात करें तो डीजल टैंक आपको मेटल का मिलता है, लगभग 180 लीटर के आसपास की इसकी कैपेसिटी होती है। और भी अलग कैपेसिटीज़ में एक एडिशनल डीजल टैंक आप लगा सकते हो क्योंकि जगह जो है। बात करो यूरिया वगैरह की, तो SCR सिस्टम पे गाड़ी काम करती है। यहाँ पे यूरिया टैंक वगैरह दिया हुआ है, ये 48 लीटर के आसपास का जो है यूरिया टैंक होता है। और यहाँ पे आप बात करो तो ये आपका एयर इंटेक होता है। एयर इंटेक इन गाड़ियों में हमेशा से ऊपर से ही हुआ है। नाउ कमिंग टू द पार्ट साइड से अगर हम बात करें तो ये हमारा केबिन है, वहाँ पे पीछे की तरफ विंडो दी हुई है जो एक अच्छी चीज़ है। देन विंडो वगैरह हमारी शुरू से अच्छी आई है, तो वो सारी चीज़ें। यहाँ भी आपको एक फ्यूल एफिशिएंसी FE का स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बात करो तो गाड़ी में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है जैसे हमारी पुरानी थी, जैसा हमारा पुराना भरोसा LPT के साथ में था, जो इंजन के साथ में था वो था। बट 3.3 लीटर का इंजन कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं केबिन के बारे में। दोस्तों 15-12 LPT में थोड़ा सा नया स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा पहले के कंपैरिजन में। 2 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील है, टाटा का लोगो वगैरह है वो ठीक ठीक यहाँ पे दिखती है। जो हमारे वाइपर वगैरह के कंट्रोल है वो यहीं आते हैं, जो हमारे कंट्रोल्स हैं
लाइट वगैरह के वो सारे यहाँ आते हैं। और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है इस पर मैंने सारा वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें क्या सारी चीज़ें आती हैं, इसका वीडियो मैं ऊपर डाल देता हूँ। 3-4 लाख लोगों ने देखा है उसको, तो आप भी जाके उसको देख लो, सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे इसमें क्या सारी चीज़ें, क्योंकि ये अकेला ही 10-12 मिनट का एक टॉपिक है। यहाँ पे आपको चूंकि ब्लोअर्स मिलते हैं, एसी का ऑप्शन अभी फिलहाल टाटा इसमें नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, मतलब ब्लोअर्स वगैरह हवा के लिए मिलते हैं क्योंकि सरकारी नॉर्म्स हैं वेंटिलेशन के हिसाब से। डैशबोर्ड यहाँ थोड़ा ठीक दिखता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। ये थोड़ा मोबाइल वगैरह रखोगे तो फिसलेगा नहीं, नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन है, देखने में समस्या नहीं होती है। पुराने वाले जैसे गेट मिलते थे, शुरू से गेट देख रहे हैं एलपीटी में वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये हैंडल वगैरह डोर वगैरह के लिए मिलता है, और ये आपको बहुत शुरू से हमने देखा ग्लो बॉक्स वगैरह उसी साइज़ का उतना ही मिलता है, कुछ बहुत अलग यहाँ पे करने की कोशिश नहीं की गई है। टाटा हालांकि म्यूजिक सिस्टम लगा के देता है। सीट वगैरह की बात करोगे तो ऊपर की तरफ आपको हेडरेस्ट मिलेगा, जो सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, वो एक पार्ट मिलेगा। पीछे की तरफ आपको एक बर्थ मिलती है जो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं कह सकते आप, जिसकी श्रेणी की गाड़ी आती है, बट ऐसी आती है कि आप इसको नीचे जो है वो थोड़ा सा बंक स्टोरेज की जगह यहाँ पे एक टूल बॉक्स वगैरह जैसी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जा रहे हो। बाकी सिग्नल वगैरह में जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं मिलता है। कोई कवरिंग पैडिंग वगैरह भी पीछे की तरफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आपको ऊपर देखने को मिल रही है। बाकी ये लाइट यहाँ पे मिल जाती है जो अच्छा ठीक ठाक रोशनी दे रही है। सीट बेल्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ भी आपको एक इंसुलेशन देखने को मिलेगा, मतलब इंजन की गर्मी वगैरह ना आए, बट ये भी एक ठीक ठीक ही है, मतलब कुछ बहुत उम्मीद मत करना आप, क्योंकि एलपीडी में बैठा हूँ, अल्ट्रा में नहीं बैठा हूँ, सिग्ना में नहीं बैठा हूँ। और यहाँ पे 5 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा, हैंड ब्रेक आपका यहाँ दिया होता है, यहाँ पे बिल्कुल डैशबोर्ड पे कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दिए, फैंसी नहीं दिए, रीजनरेशन के लिए यहाँ बटन दिए होते हैं और कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। और 2 स्पीकर वगैरह की अगर बात करो तो एक वहाँ होता है या होता है। अब कुछ चीज़ें जो एलपीडी में नहीं आती है, नहीं उम्मीद करनी चाहिए, वो कि ऊपर की तरफ कोई स्टोरेज बॉक्स वगैरह यहाँ नहीं आता, केबिन में कहीं भी कोई स्टोरेज ऑप्शंस नहीं है, वो एक पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप बात करो कि यहाँ पे डोर ड्राइवर के डोर के ऊपर भी, तो यहाँ पे भी एक वाटर होल्डर मिल जाता है, जो एक ठीक ठाक चीज़ है, मतलब 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, कुछ आपकी पर्चियाँ वर्चियाँ यहाँ आ जाएंगी। और अगर आप बात करो कि सीट कंफर्ट कैसा है, सीट कैसा दिख रहा है, सीट भाई ठीक दिख रहा है, मतलब आप 6 फीट के आदमी हो, अगर कैसे भी हो तो बल्कि बैठ सकते हो, सीट एडजस्टेबल हर फॉर्म में है। और अगर आप बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टेयरिंग वगैरह भी ठीक ठाक एडजस्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। सोने वगैरह का कंफर्ट कैसा है, तो वो ठीक है, मतलब आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसा एलपीटी मिलता था, बिल्कुल वैसे ही मिलता, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, स्टेयरिंग एडजस्टेबल हो गया, सीट वगैरह एडजस्टेबल हो गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा 15-12 एलपीटी के बारे में, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है और सारी चीज़ें बता पाया हूँ। कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है जो 15-12 एलपीटी के बारे में आप अभी तक नहीं पूछ पाए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पूछना चाहिए, या आपको मन में सवाल है, आप नीचे कमेंट में डाल दो, मैं लगभग हर कमेंट का रिप्लाई वहाँ करता हूँ। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए, पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चले, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा ले, और ट्रैफिक पुलिस में से भी वजह मत झगड़े। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।